हेलो फ्रेंड्स मोनिटर एकेडमी में आपका स्वागत है सो so, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विब्रियो कोलेरा विब्रियो कोलेरा के बारे में आपने फ्रेंड्स सुना होगा बेसिकली क्या है जो विब्रियो कोलेरा है वो जो डिजीज है आपके कंटेमिनेशन वाटर इनहेल करने से होता है ठीक है तो आज हम डिस्कस करेंगे विब्रियो कोलेरा के बारे में ठीक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप पूरा जरूर देखेगा सो so, कोलेरा इज अ सीरियस बैक्टीरिया डिजीज दैट इज वली कॉजेज सीवियर डायरिया एंड डिहाइड्रेशन सो जो हमारा कोलेरा है विब्रियो कॉलेरा क्या कॉज करता है कॉलेरा कॉज करता है ठीक है तो ये क्या है कॉलेरा एक सीरियल बैक्टीरियल डिजीज का नाम है ठीक है कॉलेरा एक सीरियल बैक्टीरियल डिजीज का नाम है जो बैक्टीरिया से कॉज होता है ये क्या करता है बेसिकली डायरिया कॉज करता है ठीक है डायरिया और डिहाइड्रेशन बॉडी में पानी की कमी कर देता है द डिजीज इज टिपिकली स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर अब कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू क्या होता है विब्रियो कॉलेरा जो है वो स्प्रेड आउट हो जाता है ठीक है एक इंसान से दूसरे इंसान में सपोज कीजिए कि आ, कहीं वाटर है वाटर का सोर्स है किसी को विब्रियो है उसको डायरिया हो रहा है उसने वहां जाके वो शीट कर दिया ठीक है तो क्या होगा वो पानी में मिक्स हो जाएगा उसके थ्रू क्या है जो लोग वाटर का सोर्स है जिनका जिनका पानी पीने का सोर्स नदियों से है या फिर तालाब से है तो वो वहां पे जाके क्या होता है अपना पानी पी लेते हैं ठीक है पानी पीने से उनका क्या होता है फ्रेंड्स कि वो जो विब्रियो कॉलेरा का जो डिजीज डिजीज बैक्टीरिया है वो क्या होता है उन्हें नील हो जाता है अगर वो पानी को गर्म नहीं करते पानी को नहीं है या फिर उसको डिसकंटामिनेटेड नहीं करते हैं तो वो क्या होता है उनकी बॉडी में इंफेक्शन कॉज करना स्टार्ट कर देता है ठीक है जिसकी वजह से डायरिया और डिहाइड्रेशन होना आम बात होती है सो मॉडर्न सीविच एंड वाटर ट्रीटमेंट हैव इफेक्टिवली एलिमिनेट कॉलेरा इन मोस्ट कंट्रीज ठीक है सो जो बेसिकली uh, मॉडर्न सीवेज होता है और वाटर ट्रीटमेंट होता है ये क्या करता है एलिमिनेट करता है कॉलेरा को ठीक है कंट्रीज में आने से तो क्या फ्रेंड्स पानी पीने से पहले उसको ट्रीट करना बहुत जरूरी है या फिर पानी को गर्म करके पिए या फिर उसको अच्छी तरह से ट्रीट किए ट्रीट किया जाए जिसमें क्या होगा जो भी बैक्टीरिया या हार्मफुल uh, बैक्टीरिया प्रेजेंट है वाटर के अंदर वो क्या हो किल हो जाए मर जाए सो इट्स स्टिल अ प्रॉब्लम इन कंट्रीज लाइक एशिया अमेरिका एंड अफ्रीका मोस्टली इन इंडिया सो बेसिकली क्या है ये जो प्रॉब्लम हो रही है विब्रियो कोलेरा की तो ये कहाँ कहाँ है बेसिकली ये कंट्रीज है एशिया में अमेरिका में अफ्रीका में ठीक है और मोस्टली इन इंडिया इंडिया में तो है ही है ठीक है सो कंट्रीज अफेक्टेड बाय वॉर पॉवर्टी हैव अ अ ग्रेटेस्ट लाइक कॉलरा आउटब्रेक ठीक है सो बेसिकली क्या है जो कंट्री अफेक्टेड होती है वॉर वो, से अफेक्ट होती है ग्रेटेस्ट रिस्क होता है कॉलेरा का ठीक है अगर फ्रेंड्स देखा जाए तो कॉले का केस ऐसा है जिसके अंदर क्या होता है बॉडी पानी को एब्सॉर्ब करना बंद कर देती है जिसकी वजह से क्या होता है डायरिया हो जाता है अब कंटामिनेटेड आपने वाटर पिया उससे क्या होगा कि आपके अंदर जो बै बैक्टीरिया एंटर हुआ है वो क्या करेगा आपके जो इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्बन का जो प्रोसेस चलता है वो रुक जाता है जिसकी वजह से आपकी कंटिन्यूसली आपकी बॉडी से स्टूल पास होता रहता है वॉटरी स्टूल ठीक है और डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि फ्रेंड्स अगर आपको वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है वाटर यूं ही आप पी रहे हैं और वो बॉडी से बाहर यूं ही निकल रहा है वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे आपके सेल्स आपके टिश्यू को वाटर नहीं मिल पा रही हैं तो आपको डिहाइड्रेशन का केस भी हो सकता है एक्सोनोमी में हम क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स टेक्सोनोमीमी के अंदर हमारा क्लास आता है वीडियो कॉलरा की क्लास कौन सी है ये गामा प्रोटी बैक्टीरिया ठीक है गामा प्रोटियो बैक्टीरिया ऑर्डर क्या है इसका विब्रियो नेल ठीक है फैमिली विब्रियो पैकेस है एंड जीनस विब्रियो है एंड विब्रियो कॉलेरा है एंड विब्रियो एल्जिनोलाइटिकस एल्जिनोलाइटिकस ठीक है ये इसकी स्पीशीज है फ्रेंड्स अब मैं इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करूं विब्रियो कॉलेरा की मॉर्फोलॉजी ग्राम नेगेटिव सो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है और एक्टिवली मोटाइल होता है ये शॉर्ट uh, होता है छोटे होते हैं और रिजिड कर्व्ड बैक्स बेसिलाई होता है ठीक है सो फ्रेंड्स इसका मॉर्फोलॉजी आपको याद रखना है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये सो so, रिसेम्बलिंग लेटर वी वी लेटर के होते हैं आपने देखा होगा कि मोस्टली जब आप ग्रो करवाते हैं किसी मीडिया पे बैक्टीरिया को तो ये आपको वी शेप में देखने को मिलते हैं ठीक है सो अबाउट थर्टी फोर जीनेस इसके थर्टी फोर जीनेस प्रेजेंट होते हैं सो मोस्ट कॉमन इन वाटर बेसिकली जो विब्रियो कॉलेरा है ये वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं पोलर फ्लैजिलम स्ट्रॉगली एरोबिक ये पोलर फ्लैजिलम होते हैं स्ट्रांगली एरोबिक होते हैं यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं ठीक है स्मियर फिश इन स्ट्रीम अपीयरेंस स्मियर क्या होता है फिश इन स्ट्रीम अपियरेंस होती है इसकी कल्चर मीडिया कौन कौन से कल्चर मीडिया यूज होते हैं सो अल्काइन पैप्टोन वाटर ये मीडिया का नाम है इसके यूज क्या है एनरिचमेंट मीडिया फॉर विब्रियो कोलोरा एनरिचमेंट मीडिया यूज होता है विब्रियो कोलरा के लिए ठीक है अल्कलाइन सॉल्ट ट्रांसपोर्ट मीडिया ये मीडिया का नाम है इसकी यूजेज है ट्रांसपोर्ट मीडिया फॉर डायरियल डिजीज डायरियल डिजीज के लिए ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज करते हैं जिसका नाम है मीडिया का एल्कालाइन सॉल्ट ट्रांसपोर्ट मीडिया सो ट्रोकलेट चोकलेट पैक्टोन ट्रांसपोर्ट मीडिया सस्पेक्टेड फॉर बिंग कॉजेज बाय्रियो कोलेरा ठीक है बाइल सोल्ट अगार मीडिया सिलेक्टिव मीडिया फॉर विब्रियो कोलेरा ठीक है फ्रेंड्स ये है इसके एंड थायोसल्फेट साइट्रेट बाइल सुक्रोज टीसीबीसी है और मॉन्सर्स था अगार ठीक है ये बेसिकली जो मीडिया है वो यूज होते हैं सो so फ्रेंड्स अगर मैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करूं तो आपको पता है कि जो बैक्टीरिया का विब्रियो कॉलेरा का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है किस वजह से हमारा जो ये बैक्टीरिया है वो डायरिया और डिहाइड्रेशन कॉज कर रहा है किसकी वजह से कंटामिनेटेड वाटर की वजह से ठीक है अगर हम कंटामिनेटेड वाटर निहेल करते हैं तो विब्रियो कॉलेरा जो बैक्टीरिया है वो हमारे अंदर एंटर करता है और कॉलेरा कॉज करता है ठीक है सो इसका डायग्राम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है फ्रेंड्स ध्यान से पड़ेगा ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर कैन बी कॉज ठीक है कैन बी अज क्या कॉज करता है फ्रेंड्स विब्रियो कॉलेरा कॉज करता है कॉलेरा कॉज करता है ठीक है अगर मैं इसके पैसोजनिस की बात करूं तो उसके सोर्स क्या है इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर फूड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स सो कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू भी हो सकते हैं कंटामिनेटेड फूड एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के थ्रू भी हमारे अंदर इसके आने के सोर्सेज हैं ठीक है इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है फ्रेंड्स वन टू फाइव डेज लग जाते हैं इसको इंक्यूबेट करने में ठीक है सो सिम्टम्स क्या होते हैं वाटरी डायरिया होना होता है वॉमिटिंग आ जाती है थ्रेस्ट होता है डिहाइड्रेशन होता है एंड मसल्स ग्रैप्स हो जाती थी हैं ठीक है सो फ्रेंड्स ये इसके सिम्टम्स हैं एंड कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आती हैं अगर हम कॉम्प्लीकेशन की बात करें तो इसमें मस्कुलर पेन होता है ठीक है रीनल फेलियर होने के चांसेस भी होते हैं पल्मनरी एडिमा भी हो सकता है कार्डियक इस तो इसके कॉम्प्लीकेशन है ये एंड डायग्नोसिस की बात करें डायग्नोसिस हम किस किस तरीके से कर सकते हैं कौन कौन से सैंपल लेते हैं हम उसको माइक्रोस्कोपिक किस तरह से करते हैं एंड कल्चर कल्चर कौन सा होता है हमारा और सिलोजोमिकटेस्ट परफॉर्म करते हैं ठीक है डायग्नोसिस के अंदर आता हमारा ये सो so डायग्नोसिस है हमारा स्पेसिमेन स्पेसिमेन हम इसमें स्टूल स्पेसिमेन लेते हैं वाटर का सैंपल भी ले सकते हैं जो हमारा जो पेशेंट है उसने जो पिया है ठीक है माइक्रोस्कोपी हैंगिंग ड्रॉप करते हैं जिसमें पॉजिटिव आता है ग्राम स्टेन करते हैं जिसमें नेगेटिव आता है ठीक है ग्राम स्टेन हमेशा नेगेटिव आएगा क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ठीक है एंड कल्चर कल्चर हम मैकॉन की आगे यूज करते हैं कलरलेस टू लाइट पिंक ठीक है कलरलेस से लाइट पिंक हो जाता है एंड सिरोलॉजी हमारा सिरोलॉजिकल टेस्ट आर नो डायग्नोस्टिक वैल्यू ठीक है सो लॉजिकल टेस्ट में कोई भी डायग्नोस्टिक वैल्यू नहीं आती है ट्रीटमेंट फ्रेंड्स कॉलरा का ट्रीटमेंट भी है प्रिवेंशन भी है इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं एडिक्वेट रिप्लेसमेंट ऑफ लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स सो एडिक्ड रिप्लेसमेंट करते हैं हम लूड का एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का तो so, क्या है फ्रेंड्स इस केस में क्या होता है डायरिया और डिहाइड्रेशन के केस में जो वॉटर का इलेक्ट्रोलाइट सॉरी oh, जो सेल्स का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो क्या होता है बिगड़ जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं कम हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं ठीक है ठीके? जैसे मैग्नीशियम सोडियम हो गया जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका क्या होता है बैलेंस बिगड़ जाता है सो ओरल टेट्रासाइक्लिन रिड्यूस द पीरियड ऑफ विब्रियो एक्सक्रेशन तो ओरल जो टेक्ट्रोसाइक्लिन है वो ज्यादा रिड्यूस होता है विब्रियो कॉलर एक्सक्रेशन की केस में प्रिवेंशन सो ड्रिंक एंड यूज वॉटर वॉटर हमें क्या करना चाहिए वॉटर वॉटर पीना चाहिए तालाब का पानी कुएं का पानी यो ही बिना उसको हीट किए नहीं पीना चाहिए ठीक है फ्रेंड्स सो फ्रीक्वेंट वॉशिंग क्या होता है फ्रीक्वेंट वॉशिंग करनी चाहिए ठीक है सो इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट भी सैनिटेटरी होना चाहिए डिफेकेट इन वाटर एंड कुक फूड थ्रूली हमें क्या करना है फ्रेंड्स कंटामिनेशन हमारे फूड से फ्रूट से वेजिटेबल से और वाटर से हो रहा है तो वाटर आपको अच्छे से प्यूरिफिकेशन करना है फूड आपको अच्छे से वॉश करके खाना है ठीक है फूड आपको कंटामिनेटेड इन्वायमेंट में नहीं बनाना है आपको सैनिटाइटरी में बनाना है और आपको फ्रूट धोखे खाने वेजिटेबल धोखे खाना है ये प्रिवेंशन होते हैं छोटे छोटे प्रिवेंशन हैं ये आपको ध्यान रखने हैं या हमेशा फॉलो करने हैं अगर आप कंटामिनेटेड वाटर पी लेते हैं तो भी ब्लू आपके अंदर इनहेल हो जाएगा और कलरा कॉज करेगा एंड फूड जो हो गया आपने कंटामिनेटेड खाया फ्रूट या वेजिटेबल आपने वॉश करके नहीं खाया तो इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ठीक है, है फ्रेंड्स तो हमारे विब्रियो कॉलर जो हमारा टॉपिक है उसमें इतना ही था अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं बेजिजा पूछ सकते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ठीक है फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच